भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अपने वर्करों के साथ मिलकर इस समय बड़े पैमाने पर हमारा महाजनसंपर्क अभियान शुरू हुआ है। जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से मजबूत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। पिछले दिनों कश्मीर घाटी के अंदर जो आतंकी घटनाएं हुई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहां निशाना बनाने की साजिशें हुई, कोशिशें हुई, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक षड्यंत्र कुछ शरारती लोग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक मजबूत सिपाही, एक सैनिक की तरह काम करता है। आतंकवादियों की, अलगाववादियों की और देश दुश्मन ताकतों की किसी भी साजिश से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घबराने वाला नहीं है। पहले से भी और अधिक ताकत के साथ हम कश्मीर घाटी के अंदर अपना कार्य विस्तार करेंगे, पार्टी को मजबूती देंगे। हमारा मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सबको साथ लेके चलेंगे। हम चाहते हैं कि लोगों के साथ इंसाफ हो, सबको उनका हक मिले, डेवलपमेंट हो, किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, अमन, चैन और भाईचारा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हो, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सर, गुफा अलायंस को आज मीटिंग थी, उसके बारे में कुछ बताइए। तो महबूबा मुफ्ती ने भी बोला है कि स्टेट और हमारा बुनियादी हक है, इसको कोई नहीं छीन सकता है। गुपकार गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। गुपकार गठबंधन के नेता चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर हालात खराब हों। गुपकार के नेताओं की ये साजिश है कि यहां भी तालिबान के जैसे उपद्रव कश्मीर में मचे। वो हम किसी सूरत में भी इस प्रकार की साजिशें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी आतंकवादियों का सफाया हमारी बहादुर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। आगे भी इस प्रकार के जो भी षड्यंत्र आतंकियों के होंगे उनको निस्ते नाबूद किया जाएगा। गुपकार गठबंधन के कुछ नेता जिसमें मैडम महबूबा मुफ्ती जी भी हैं, ये सब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कश्मीर के खिलाफ कर रहे हैं। बार बार भड़काऊ बयान देकर, तोड़ने की राजनीति करके, लाशों पर राजनीति करने की साजिश कर रहे हैं। तालिबान हो, अलकायदा हो, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, हमने ये पहले भी देखे हैं। इनसे कोई डरने वाला नहीं है। कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है। कश्मीर का हर बच्चा बच्चा देशभक्त है। उसके दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा है। कश्मीरी सच्चे हिंदुस्तानी हैं, वतन परस्त हैं। कश्मीरियों ने हमेशा मुल्क की हिफाजत की है, तिरंगा झंडा बुलंद किया है। महबूबा मुफ्ती से किसी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है और ना ही गुपकार गठबंधन के नेताओं से किसी को यहाँ सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है। कश्मीरियों ने पहले भी हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं और कश्मीरी आगे भी मजबूती के साथ हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। ये आतंकवाद अलगाववाद की राजनीति नहीं चलेगी, लाशों पर राजनीति नहीं चलेगी। तालिबान का डर दिखाओ किसी और को, गुपकार के नेताओं को गलतफहमी होगी। हिंदुस्तान एक ताकतवर देश है और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब हैं। कोई जो बाइडन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो अफगानिस्तान छोड़ के भाग जाएगा। सर, यूसुफ तारिगामी का ये भी कहना था कि जो आर्टिकल 370 या 35A की बात है उस पे मरकजी सरकार बात नहीं करती और आज तक डेवलपमेंट कह रही है डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट कहाँ है? अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हुई है। आप देखें, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज यहाँ लाया। आज यहाँ जिला परिषद बनी है, ब्लॉक समितियों का गठन हुआ है, 25 सरपंच के चुनाव हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट का सारा बजट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स ने पास किया है। 4-4 गुना हर जिला परिषद का इस सालाना बजट आया है। 2-2 एम्स बन रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, IIM IIT बन रहे हैं।
गांव-गांव में सड़कें, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बन रहा है। टूरिज्म सेक्टर में अरबों खरबों रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। ये सारा काम डेवलपमेंट के लिए है। हम चाहते हैं कि ये सारा पैसा ईमानदारी के साथ लगे। अब जिन लोगों ने 70 साल हुकूमत में रहकर डेवलपमेंट की नहीं, आज जब डेवलपमेंट हो रही है, आज जब मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम कर रही है, तो गुपकार गठबंधन के नेताओं को परेशानी और तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनकी जमीन खिसक चुकी है और वादी कश्मीर के लोग भी अब पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में मजबूत हो रही है और गुपकार गठबंधन का यहाँ दायरा सिमट रहा है। गुपकार गठबंधन के नेताओं की पांव तले जमीन खिसक रही है, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। वो कहते हैं कि स्टेटहुड जब तक नहीं मिलेगी तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। 70 साल तो यहाँ स्टेट थी और स्टेट को बर्बाद किसने किया? इन्हीं गुपकार गठबंधन वालों ने जम्मू कश्मीर की स्टेट को बर्बाद किया था। सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी ने किया वो बीजेपी है। बीजेपी ने खाली वादे किए और ग्राउंड सतह पे कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है और भारतीय जनता पार्टी खिदमत खलक करती है। गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों की मदद करती है। गरीब लोगों को मोदी साहब ने 5-5 लाख हेल्थ कार्ड दिए। गरीब लोगों को कोविड के अंदर मुफ्त राशन दिया, मुफ्त वैक्सीनेशन हो रही है। गरीब लोगों को किसानों के खाते में 6,000 रुपया मोदी साहब ने दिया। गरीब लोगों को सोशल वेलफेयर से 1,000 रुपया महीने की पेंशन मोदी सरकार दे रही है। ये सबकी सरकार है। मोदी सरकार गरीबों की सरकार है। मोदी सरकार सच्चे हिंदुस्तानियों की सरकार है। लेकिन गुपकार वालों को तकलीफ ये हो रही है, जब ये सरकार में थे इन्होंने किया कुछ नहीं, और आज जब ये सरकार से सत्ता से बाहर चले गए और इनकी जमीन खिसक गई, लोगों ने, जम्मू कश्मीर की आवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया, उस वक्त इनको तकलीफ हो रही है।